अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना कि ये कहा गया है कि अगर जनता को फ्री सुविधाएं दी जाएंगी तो इससे देश को नुकसान होगा, इससे टैक्स पेयर जो देश को टैक्स देते हैं उनके साथ धोखा होगा। मुझे लगता है कि टैक्स पेयर के साथ धोखा तब होता है जब उनसे टैक्स लेके और उस टैक्स के पैसे से अपने चंद दोस्तों के बैंकों के कर्जे माफ किए जाते हैं। तो टैक्स पेयर देखता है, सोचता है, यार पैसा तो लिया था मुझसे और ये कह के लिया था कि आपके लिए सुविधाएं बनाएंगे और मेरे पैसे से अपने दोस्तों के कर्जे माफ कर दिए। पूरे देश का टैक्स पेयर धोखा महसूस करता है। टैक्स पेयर देखता है कि यार मेरे से टैक्स लिया, मेरे से तो टैक्स लिया, पूरे देश के अंदर खाने पीने की चीजों पे जीएसटी लगा दिया, दूध पे जीएसटी लगा दिया, छाछ पे जीएसटी लगा दिया, दही पे जीएसटी लगा दिया और अपने दोस्तों के, बड़े बड़े अमीर दोस्तों के टैक्स माफ कर दिए, उनको टैक्स में रिलीफ दे दिया, रिबेट दे दिया टैक्स के अंदर बड़े बड़े लोगों को। तो एक आम आदमी सोचता है यार हमसे तो धोखा हो गया। तो टैक्स पेयर के साथ धोखा इससे नहीं होता कि हम उनके बच्चों को अच्छी और फ्री शिक्षा देते हैं। टैक्स पेयर के साथ धोखा इससे नहीं होता कि हम देश के लोगों का फ्री में अच्छा इलाज कराते हैं। टैक्स पेयर के साथ धोखा तब होता है जब अपने दोस्तों के कर्जे माफ करते हैं। 10 लाख करोड़ रुपए के अगर कर्जे माफ नहीं किए जाते तो मैं समझता हूं आज देश इस तरह से घाटे की स्थिति में नहीं होता। हमें दूध दही के ऊपर जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर ये मुद्दा अच्छा उठा है और मेरी ये मांग है कि देश के अंदर रेफरेंडम कराया जाए। एक रेफरेंडम ये कराया जाए, लोगों से पूछा जाए कि भाई आप टैक्स देते हो, इस देश का गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है जीएसटी की तरह, बाजार से कुछ खरीद के लाता है उस पर जीएसटी देता है। देश के अंदर ये रेफरेंडम कराया जाए, क्या सरकारी पैसा एक परिवार के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? एक पार्टी है जो चाहती है कि सारा सरकारी पैसा एक परिवार के लिए इस्तेमाल हो। जनता से पूछा जाए क्या सरकारी पैसा एक परिवार के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? दूसरा मॉडल है, दूसरी विचारधारा है, क्या सरकारी पैसा कुछ चंद दोस्तों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? और तीसरा, क्या सरकारी पैसा इस देश के आम लोगों को सुविधाएं देने के लिए, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? इस देश के अंदर एक रेफरेंडम होना चाहिए। ये जो एक माहौल बनाया जा रहा है कि जनता को फ्री की सुविधाएं देने से देश को नुकसान होगा, फिर सरकार का काम क्या है? अगर जनता को जितना टैक्स लेती है उससे जनता को ही सुविधाएं नहीं देंगे और सारी सुविधाएं अपने दोस्तों को देंगे, ये तो धोखा हो जाएगा।